नमस्कार, दिस इज रविनाथ, प्रवक्ता विद्युत फ्रॉम जीपीसी सिरोही। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज पढ़ेंगे डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? ये डीसी शंट जनरेटर होता है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को कहां से लेता है? डायनेमो ये लेता है व्हीकल से या गाड़ी से। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और गाड़ी के डिफरेंट लोड्स को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो बेसिकली कैसे कनेक्टेड होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। डायनेमो में तीन टर्मिनल होते हैं, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल और ग्राउंड होता है। ग्राउंड को नेगेटिव से दिखा रहे हैं और ग्राउंड बॉडी के थ्रू कंप्लीट होता है। डायनेमो कनेक्टेड होता है, आउटपुट डायनेमो का कनेक्टेड होता है वोल्टेज रेगुलेटर से। वोल्टेज रेगुलेटर का फील्ड टर्मिनल, वोल्टेज रेगुलेटर का आर्मेचर टर्मिनल और वोल्टेज रेगुलेटर का बैटरी टर्मिनल। ये बैटरी टर्मिनल आमीटर के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड होता है। और बैटरी का नेगेटिव ग्राउंडेड है और ग्राउंड कंप्लीट है गाड़ी के व्हीकल के बॉडी से। डायनेमो का आउटपुट को के वोल्टेज को रेगुलेट करता है वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि व्हीकल का स्पीड कभी बढ़ता है कभी घटता है, एज पर दैट डायनेमो का आउटपुट वेरी करता है। उसको रेगुलेट करता है वोल्टेज रेगुलेटर और बैटरी को चार्ज करता है थ्रू अमीटर। अमीटर इंडिकेट करता है बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। इसका हम अलग अलग पढ़ेंगे, डायनेमो अलग, वोल्टेज रेगुलेटर अलग। अब हम बात कर लेते हैं डायनेमो के वर्किंग प्रिंसिपल की, डायनेमो के कार्य सिद्धांत की। तो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को डायनेमो में वो कंडक्टर होता है, डायनेमो है डीसी शंट जनरेटर, तो कंडक्टर उसका आर्मेचर होता है। आर्मेचर वाइंडिंग होता है। जब किसी कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, तो कंडक्टर में ईएमएफ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है।
उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे डायनेमो के कंस्ट्रक्शन की। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आजकल नाउडेज डायनेमो यूज में नहीं आता है, डायनेमो के जगह पे चार्जिंग अल्टरनेटर का इस्तेमाल होता है। यह चार्जिंग अल्टरनेटर थ्री फेज का एसी अल्टरनेटर है। इसमें इनबिल्ट तीन फेज का रेक्टिफायर होता है और उसमें इनबिल्ट रेगुलेटर भी होता है और इसका आउटपुट होता है डीसी होता है। डीसी 12 वोल्ट, व्हीकल का सिस्टम 12 वोल्ट का है तो इसका आउटपुट 12 वोल्ट होगा, 24 वोल्ट का है तो आउटपुट 24 वोल्ट होगा। तो यह है चार्जिंग अल्टरनेटर के बारे में, हमें पढ़ना है फिलहाल डायनेमो। तो डायनेमो का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। डायनेमो जो कि संट जनरेटर है, तो डायनेमो का कंस्ट्रक्शन संट जनरेटर से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। डायनेमो में भी आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, फ्रेम होता है उसका, ब्रशेस, ब्रश होल्डर एंड ब्रश गियर भी होता है। बात करें हम आर्मेचर की, तो आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग रोटर स्लॉट में सिंगल लेयर अथवा डबल लेयर के रूप में हाउस्ड होता है। डबल रूप के रूप में उंड और स्लॉट में हाउस्ड होता है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त आर्मेचर जनरली लो वोल्टेज के लिए होता है, तो इसमें लैप वाइंडिंग होता है। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर के कोर पे होता है। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर पर उंड होता है। आर्मेचर कोर किस मटेरियल का बना होता है? ये तो सबसे पहले लैमिनेटेड होता है और मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है और पूरा अरेंजमेंट आर्मेचर शाफ्ट पे होता है। पूरा अरेंजमेंट आर्मेचर शाफ्ट पर होता है। आर्मेचर में, डायनेमो के आर्मेचर में भी एसी वोल्टेज इंड्यूस होता है। अब जो आर्मेचर है,
आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर पे टर्मिनेट होता है। कम्यूटेटर सीगमेंट पे टर्मिनेट होता है। कम्यूटेटर आर्मेचर में उत्पन्न एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर एक रोटेटिंग रेक्टिफायर है। कम्यूटेटर सीगमेंट जो कि बहुत सारे होते हैं आपस में माइका इंसुलेशन से सेपरेटेड होते हैं। या इंसुलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग की, डायनेमो के फील्ड वाइंडिंग की। जनरली स्टेटर में होता है फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर होता है और इसमें जो क्वाइल्स होते हैं वो कंसेंट्रिक क्वाइल्स होते हैं। कंसेंट्रिक क्वाइल होते हैं। ये चार पोल या स्पीड के अनुसार दो पोल के लिए उंड होते हैं। और जो पूरा क्वाइल है फील्ड क्वाइल पोल शू पे माउंट होता है। पोलसू लैमिनेटेड होता है क्योंकि ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एनवायरमेंट में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रशेस के बारे में। डायनेमो का कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल संट डीसी संट जनरेटर के जैसा होता है। डीसी संट जनरेटर में डायनेमो को फीड करते हैं, फील्ड को फीड करते हैं और जब एक बार गाड़ी चालू हो गया तो आर्मेचर से उत्पन्न वोल्टेज को, वोल्टेज से बैटरी चार्ज होगा और साथ के साथ लोड को भी सप्लाई करेगा। और यहां से रेसिस्टेंस को वैरी करा के हम वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से ये रेसिस्टेंस को वैरी करा के संट जनरेटर या डायनेमो का आउटपुट को भी हम वैरी करा सकते हैं। और डिफरेंट स्पीड के लिए वोल्टेज रेगुलेटर एक कांस्टेंट आउटपुट देगा, वो हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन में। तो हम बात कर लेते हैं पहले ब्रशेस की और ब्रश गियर ब्रश होल्डर की बात कर लेते हैं। तो ब्रश जो होता है जनरली ये कार्बन का होता है, कार्बन के ब्रशेस होते हैं। ये पिग टेल एक फ्लेक्सिबल वायर है के माध्यम से आर्मेचर कम्यूटेटर में उत्पन्न डीसी वोल्टेज को
ये रोटरी है ब्रश, उसको डायनेमो के टर्मिनल पे ले आएगा। डीसी वोल्टेज को डायनेमो के टर्मिनल से कनेक्ट करता है। जो ब्रशेस होते हैं ब्रशेस ब्रश होल्डर द्वारा फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ब्रश होल्डर में रहते हैं। ब्रश होल्डर में ही ब्रशेस ब्रश होल्डर में निरंतर स्प्रिंग प्रेशर में होते हैं ताकि कनेक्शन फॉर्म हो और स्पार्किंग ना हो। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की। वोल्टेज रेगुलेटर डायनेमो से उत्पन्न वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल, जिसको हम व्हीकल या हिंदी में गाड़ी भी बोलते हैं, का स्पीड वेरी करते रहता है। ये कभी अधिक, कभी सामान्य, कभी धीरे चलता है। अतः डायनेमो का वोल्टेज आउटपुट वैरी करता है। डायनेमो का वोल्टेज सामान्य करने के लिए का आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर प्रयुक्त होता है। यदि गाड़ी का स्पीड अधिक है तो डायनेमो का आउटपुट अधिक होगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर, गाड़ी का स्पीड अधिक है तो डायनेमो का आउटपुट भी अधिक होगा। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? वोल्टेज रेगुलेटर में एक क्वाइल तथा प्लंजर या आर्मेचर बोलने होता है। वोल्टेज रेगुलेटर में यह अलग तरह का क्वाइल और आर्मेचर होता है। आर्मेचर अरेंजमेंट होता है। जब गाड़ी स्पीड अधिक है तो डायनेमो का वोल्टेज अधिक होगा, तो वोल्टेज रेगुलेटर का आर्मेचर प्लंजर अरेंजमेंट
ऑपरेट हो जाएगा। ये आर्मेचर अरेंजमेंट ऑपरेट हो जाने से तथा एक रेसिस्टेंस फील्ड सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। जब फील्ड सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो एक्साइटेशन कमजोर हो जाएगा और डायनेमो का संट जनरेटर का आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे संट जनरेटर का आउटपुट कम हो जाएगा। जब गाड़ी धीरे चलेगी तो इसका उल्टा होगा। तो रेगुलेटर का क्वाइल एंड प्लंजर या आर्मेचर अरेंजमेंट डीएक्टिवेटेड होगा। तथा फील्ड सर्किट से रेसिस्टेंस डिस्कनेक्टेड होगा। जब डिस्कनेक्टेड होगा तो एक्साइटेशन स्पीड कम है लेकिन एक्साइटेशन मैक्सिमम है, तो उससे संट जनरेटर या डायनेमो का आउटपुट सामान्य होगा। इसके साथ ही जो वोल्टेज रेगुलेटर है डायनेमो का, वोल्टेज रेगुलेटर में टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन भी होता है। जैसे स्पीड कॉम्पेंसेशन है उसी तरह से टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन भी होता है।